कितना ऊंचा कैक्टस है यार, ये देखो क्या लेंथ है इसकी। लो जी, टाइम हो गया है 9:29 और आज तारीख है 24। पता है मैं 17 तारीख को शायद आया था यहाँ पे, या 16 तारीख को। और मुझे मतलब ये लगा लो, मुझे लग रहा है कि मैं कल ही ये परसों आया हूँ। मतलब इतना प्यार मिला साहिल भाई से। तुम्हारा जाने का टाइम हो गया, बाइक पे पैनियर में लगा चुका हूँ, बस हेलमेट और बैग्स यहाँ पे हैं। साहिल भाई का कमरा वो है, बस अभी जस्ट थोड़ी देर में निकल रहा हूँ मैं। बाइक पूरी रेडी हो चुकी है और अब की बार मैं राइड से जा रहा हूँ। मतलब पहले मैं जाता था अभोर सिरसठ वाली वो जो वो मेन रास्ता है, बट यहाँ से रास्ता फिलहाल हम जाएंगे थोड़ा सा उल्टे पुल्टे हो गए। आज जाएंगे हम हनुमानगढ़ होके, जो कि अलग रास्ता है और पता नहीं जगह का नाम भूल गया, वहाँ से सिंगल रोड स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिलहाल साहिल भाई को और गंदी औलाद को बाय बाय कर देते हैं। ये तो जानवर है भाई, सवेरे 5 बजे उठ गया था। ये साहिल भाई को कोई भी मूवी कह दो, सबकी मूवी की स्टोरी बता, पता नहीं सारी लाइफ ही मूवी देखी होंगी शायद। भाई हमने उसको फेल कर दिया, वो एक फिल्म आई थी ना हाँ चौथी फेल वाली, चौथी फेल वाली। उसको तो कुछ भी नहीं पता। भाई साहिल भाई को मतलब मैंने 8 दिनों में, आज लगातार 8 या 7 दिनों में ये देखा है कि कोई भी मूवी चल रही है उसकी स्टोरी पहले बता देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि पूरी ना कर देख लिया गए, बस थोड़ी सी बता देते हैं, देखो क्या होगा क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, कॉफी एक कॉफी है बट आप चाय पी लो, कॉफी पी लो कॉफी। तो भाई साहिल भाई का सबसे बेस्ट है, मतलब अगर मेरा ये घर होता, ये कमरा होता, तो मैं यहीं पे बैठ के व्लॉगिंग करता। लाइटिंग जबरदस्त है, ऐसी लाइटिंग हमारे घर पे लगानी पड़ेगी। नहीं ये तो महंगी वाली होंगे, आप सस्ती वाली लगवाएंगे। ओ भाई ये आदमी बड़ा अजीब टाइप का है, मतलब भगवान की आंख लग गई होंगी जब ये पैदा हुआ। सतबेजड़ो है भाई, काफी अच्छा लगा। पता नहीं अभी 7 दिन मैंने कैसे गुजारे, मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं एक ये है सारे दिन लड़ता रहता है, बिल्कुल मजा ही आ जाता है। एक वो है बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है भाई, मतलब क्या बताऊँ, बड़ा भाई भी ऐसे ध्यान नहीं रखता होगा जितना ये ध्यान रखता है मेरा। थैंक यू, गाना भी खाया है। थैंक यू यूट्यूब, जो आपने मुझसे मिलवाया साहिल भाई को। चल ठीक है डरले, मिलते हैं। ओके सारे हाँ क्या पोल्यूशन है? ओ तारा पोल्यूशन मेरे इधर है, दोनों बाइक का पोल्यूशन है। यो किसका देखो, ये कड़ू आए, अच्छा यहाँ करते आए। टायर का बिल नहीं, किसका है ये? तो टायर का बिल है, टायर का बिल है ना, वाइट वाले में था, वाइट वाले में देखो। ओके राबी, ओके बाय बाय। मुझे मतलब इतनी बार आया हूँ मैं साहिल के घर, मुझे खुद याद नहीं है मैं कितनी बार आया हूँ, लेकिन जिंदगी में मतलब जितनी बार भी आया हूँ ना, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत अटैचमेंट है भाई के साथ। और भाई ना इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। यहाँ से भाई राजस्थान शुरू हो जाता है, ये आ गया बॉर्डर राजस्थान और पंजाब का, और यहाँ से करीब करीब ना 43 या 44 किलोमीटर के आसपास पड़ा है हनुमानगढ़। वहाँ पे जाके आई थिंक पंजाब में ज़्यादा फ्यूल महंगा है या राजस्थान में, मुझे नहीं पता, मैंने फ्यूल डलवाया नहीं है, आगे जाके डलवाऊंगा। और यहाँ से आके ये पुरानी वाली रोड स्टार्ट हो जाती है, ये पंजाब की नई रोड थी, ये है पुरानी रोड, बट राजस्थान में जल्दी से रोड टूटती नहीं है, तो आई थिंक सही मिलेगी, क्योंकि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है।
बाकी आगे जाने भाई, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही ख़राब मिल जाते तो पता लग जाता कि हाँ सच में ही ख़राब है, बाकी अभी तक तो नहीं लग रहा। ये राजस्थान का बॉर्डर आ गया, यहाँ पे रुकवा रहे हैं व्हीकल्स को। अब पता नहीं मेरी बाइक्स को रुकवाएंगे कि नहीं रुकवाएंगे, बाइक्स को कह रहा हूँ, बाइक को। क्यों रुकवाई जाननी है, सारा सर 285 हनुमानगढ़ 42 संगरिया। संगरिया किसके मुंह से सुना है यार, मैंने बहुत बार सुना है संगरिया। पता नहीं गाड़ियों को तो सारियों को रुकवा रहे हैं और बाइक को नहीं रुकवाया, ना ही उस ट्रैक्टर को। यार एक चीज बताना, सरकार ने जगह के मतलब जमीन के हिसाब से राजस्थान घोषित किया है या फिर ऐसे ही बंटवारे कर दिया कि ये पंजाब है ये राजस्थान है? क्योंकि यार मैं लगभग यार 20-25 किलोमीटर आया हूँगा मैं पंजाब से शायद, और देखो राजस्थान ने अपना रूप दिखा दिया। देखो मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, कोई कुछ नहीं है, ये देखो सब कुछ अलग सिस्टम है, यहाँ पे धोला ही धोला दिख रहा है सब कुछ। मेरे को बताना यार ये जमीन के हिसाब से हिस्से करें या फिर राजस्थान का एरिया जैसे है, मतलब मिट्टी है धूल है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं उग रहा, मतलब अलग तरीके की जमीन है, इस वजह से बंटवारे हुए हैं। एक चीज मैं दिखा देता हूँ, पहले के लोग ना पहले कैक्टस लगाते थे अपनी बाउंड्री मतलब खेत की बाउंड्री के लिए, मतलब जानवरों से बचाने के लिए। नो मेंटेनेंस कॉस्ट और परफेक्ट, कोई भी जानवर इससे भिड़ेगा पटाखा उठेगा, मतलब उसको मतलब ये लगा लो काटे ही काटे चुप जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट होता था, और पता नहीं क्यों नहीं करते। ये भी एक सिस्टम है, देखो कितना ऊंचा कैक्टस है यार, ये देखो क्या लेंथ है इसकी। गोपरों में छोटा ही दिखेगा बट ये मेरे से देखो कितना लंबा है, ये देखो। और इसमें सोचो कोई जानवर एकदम से भाग के घुसने की कोशिश करे तो क्या हाल होगा, काटे ही काटे हैं। कुछ ना कुछ मतलब नए रूट पे चलने में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा अच्छे वाला। चलो चलते हैं, कुछ और देखने का मिला बहुत बढ़िया मुझे भी। मैं काफ़ी टाइम से मतलब एक दो बार देखा है बट आज रुक के देखा है आपके लिए, और मुझे भी देखने को मिला। अब मेन चीज़ ये है कि हम हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं, पीछे किला दिख रहा है, बाइक अपनी यहाँ खड़ी है, और एक बंदा ना वहाँ पे बैठा था और पूरा जोर लगा रखा था, जैसे समझ जाए भाई वहाँ पे जोर क्यों लगा रहा था, कुछ निकालना था उसे शरीर के अंदर से। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही मतलब यहाँ से अभी आपके साथ बातें करने के लिए थोड़ा सा आगे चल रहा था तो देखा यहाँ पे कुछ अंडे पड़े हैं, सॉरी अंडे पड़े नहीं हैं, ये अंडे दिए हुए हैं और ये टटीरी गए, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है, माँ बाप को बोल रहे वो घूम रहे उधर। तो जल्दी से यहाँ पे आप ड्रोन शॉट ले लेते हैं, जल्दी से आप यहाँ पे ड्रोन शॉट ले लेते हैं और निकलते हैं। किला काफ़ी दूर है, अगर मैं इसको शहर को क्रॉस करके लेता तो मेरे को पता भी नहीं होता मेरा ड्रोन कहाँ पे गया, कैसे गया, कहाँ गया, बट यहाँ से थोड़ा सा मेरे को पास लग रहा है तो यहीं से ड्रोन शॉट ले लेते, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। और ड्रोन थोड़ी वार्निंग देगा तो वापस ले आऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर ही लग रहा है। चलो ड्रोन शॉट लेते हैं, और सीरियस मत लेना, हाँ बैठा जरूर था रियलिटी में और निकाल भी रहा था अंदर से कुछ, बाकी समझदार है, समझ गए होंगे जो इंटेलिजेंट है। इंसान ना अपनी लाइफ में बहुत फद्दू फद्दू हरकतें करता है कभी कभी, है ना। बैटरी लो हो चुकी है, मैं ड्रोन शॉट बहुत अच्छे ले चुका हूँ, बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। मैं इतनी देर गर्मी में मरा, पसीने साफ करता रहा, बहुत बढ़िया ड्रोन शॉट लिया, खुशी के मारे एक्साइटमेंट के मारे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। मतलब जो किले में दीवारें होती है ना गुंबद गुंबद टाइप सी, गोल 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 टाइप सी, वैसी दीवारें हैं, और अंदर ना किले के नाम का कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोई पुराना घर, मतलब कुछ अंदर वो बना हुआ है मतलब घर टाइप सा,
या फिर कुछ और लगा लो भाई, डिजायर जा रही है स्विफ्ट बन के, डिजायर को स्विफ्ट बना दिया किसी ने टक्कर मार के। जब किस्मत हो फुदू तो क्या कर लेगा बोल बेटा वाला दूधू, और मैं तो बोल बेटा वाला दूधू पीता भी नहीं। बाकी मैंने आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये देखो ये दीवारें हैं बड़ी बड़ी और गोल गोल टाइप, जैसे मतलब किले होते हैं यार वैसा ही है, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा सुंदर किला नहीं था बट ड्रोन शॉट काफ़ी अच्छे ले रहा था मैं, और वो रिकॉर्ड नहीं हुए। यार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भैया लद्दाख कब जाओगे, लद्दाख कब जाओगे। देखो एक तो मेरा जो दोस्त है ना, एक साहिल है, मतलब तीन साहिल है मेरी लाइफ में आजकल, मतलब तीनों से ही मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले तीन लाइफ में साहिल थे, जिसमें से एक साहिल को मतलब छोड़ो, वो बात छोड़ो, टेंशन ही नहीं। देखो मेरी लाइफ में तीन साहिल है, तीन साहिल में से एक साहिल के पास था, दूसरा साहिल लद्दाख जा रहा है। वैसे ये वाला साहिल भी इस साल लद्दाख जाना था बट भाई का काम आ गया और बहुत ज़्यादा बिजी है तो भाई जा नहीं सकता। दूसरा हमारा साहिल है जो भरतपुर में रहता है, वो साहिल भाई जा रहा है लद्दाख। देखो इस टाइम इस सिचुएशन में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं जा नहीं सकता लद्दाख, वरना यार भाई बहुत बार बोल चुका है भैया चलो यार, भैया चलो यार। देख वीडियो तो तू देखता है साहिल, रियलिटी है यार, तेरे को इतना बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं सच में मजबूर हूँ, मैं जा नहीं सकता। दूसरा सॉरी तीसरा पेडी भाई साहब, वो भी लद्दाख जाने की तैयारी में है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लद्दाख जाने की तैयारी में और लद्दाख की तैयारी कर रहे हैं और मेरे को खींचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं एंड टाइम पे किसी भी बंदे को ज्वाइन कर लूँगा, मतलब जो मेरे भाई हैं, आपको पता ही है अपने भाई बहुत है, तो किसी को भी ज्वाइन कर लूँगा। मेरा अभी हाँ ना चल रहा है, मेरे को पता नहीं है मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लद्दाख के इस साल के चांसेस हैं भी और नहीं भी, तो मैं कंफर्म नहीं कर पा सकता, मतलब कंफर्म नहीं कर सकता कि इस साल हम लद्दाख जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आंधी आंधी आ गई भाई, आंधी आंधी रे, दिखता नहीं गया, मैं कैमरे में तो सही दिख रहा है यार, वैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा, विजिबिलिटी कैमरे की शायद ज़्यादा है। ओ भाई आंधी, मतलब ये लगा लो पूरा वाइट हो गया सब कुछ, देखो खेतों में ओ मज़ा ही मज़ा आ रहा है। फिलहाल धूप तो नहीं है बट जो धूप के बाद तपन होती है वो ज़रूर है, अब ये तपन जल्दी से तो जाने वाली है नहीं क्योंकि धूप ने सिखा रखा पूरा सब कुछ। इतनी तेज हवा चल रही है, बाइक देखो कैसे चल रही है मेरी, टेडी ऐसे है मेरी बाइक, और देखो कुछ नहीं दिख रहा के। अगर मेरे मुंह पे बालक लावा नहीं होता तो मिट्टी मेरे मुंह ही मुंह पे होती। फिलहाल यहाँ से है लगभग 30 किलोमीटर। देखो ये शायरी है ना हर किसी बंदे पे लागू है, इतना प्यार ना करे गालिब किसी से, इतना प्यार ना करे गालिब किसी से कि वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाए। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये है कि यार आप किसी को इतना प्यार करोगे तो अपना घर क्यों जाना चाहेगा। साहिल ने भी कुछ ऐसा ही किया, इतना प्यार दुलार दिया भाई ने इस बार, मतलब दिल ऐसा कर रहा है कि मैं अब किसी और के घर जा रहा हूँ, मेरा घर तो रह गया पीछे। घर पहुँच गए, हमेशा घर पहुँच के ऐसा लगता था यार घर पहुँच गया, बहुत अच्छा लगता, पहली बार घर पहुँच के ऐसा लग रहा है। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। आई होप कि आपने वीडियोस का एंजॉय किया होगा, देखते हैं लॉन्ग राइड पे जल्दी निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते, बाकी वीडियोस रेगुलर आएंगी। वैसे एक हफ्ता हो गया वीडियो डाले हुए, पड़ता हवा बहुत चल रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निकल नहीं आते, ध्यान रखना अपना। Oh, 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 oh.